और क्या, और सरकार जो करती अच्छी करती है, अच्छा करी है, अच्छा की। हाँ ठीक है, अच्छा 1000 का नोट बंद करके अच्छा किया सरकार, जो करती जी अच्छा करती है। नहीं, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तुरंत मना कर देते हैं, अपना सामान जो दैनिक सामान है वो ही नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ। नोट में चिप लगाई थी और वो चिप के बाद सबको वो 2000 का नोट दिया। हाँ। अब वही नोट वो हमसे वापस ले रही, मतलब वो एक तरह से इंट्रो कराना चाहती कि किसके पास कितना पैसा है। आज तक देखते हैं। हाँ जी जी, वही को जी मीडिया का ये कहना था कि नैनो चिप्स लगा हुआ है, 100 फीट गड्ढे में रखेंगे 2000 का नोट तो निकल आएगा, लेकिन अब कहाँ गया वो गोदी मीडिया, चिल्ला चिल्ला के कहता था। कोई फर्क ना बंद करने से ना चालू करने से फर्क तो कोई पड़ा नहीं, गरीब या गरीब ऐसा कुछ नहीं, मिडिल क्लास लोगों के लिए 2000 ना 500 कोई माने नहीं रखता है, माने रखता मैंने तो देखे ही नहीं है 4-5 साल से। सेम मेरा भी ऐसे ही, मैं तो जमा कराया बैंकों में, नहीं अभी नहीं कराया, कराएंगे जमा, भीड़ ज्यादा लग रही है बैंकों पे तो इस वजह से दिक्कत आ रही, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम दुकान वाले जो डर गए हैं वो आप किससे पैसे लेते हैं? नहीं, वो तो मना लेते हैं, केवल वहाँ नहीं, दुकानदार तो मना कर रहे हैं। तो वो नैनो चिप्स वाले सुधीर चौधरी श्वेता तिवारी कहाँ गई, आज क्यों नहीं कह रही है कि नैनो जहाँ जहाँ नोट है वहाँ हम निकाल लेंगे, जाके निकाल। आपके पास है या नोट नहीं? अरे हम गरीब आदमी के पास कहाँ से नोट आएंगे, किसके पास नोट है? नोट तो उन्हीं के पास है जो बता रहे हैं, उन्हीं के पास नोट है, नहीं है। अरे क्या है, सब जो लोग जा रहे हैं इस टाइम बैंक में और यहाँ पैसे ले नहीं रहे, कोई छोटे मोटे दुकानदार तो ले रहे, बड़े तो ले रहे हैं। हाँ, डर हो गया है दुकान वाले, बस वो बड़े जो दुकान है ना, बड़े दुकानें शॉप है उनपे तो चल रहे हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के सीपी में यानी कनॉट पैलेस में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़ौदा बैंक है और इसके भी पीछे अगर आप देखेंगे तो इंडियन बैंक आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2000 का नोट अब बंद हो चुका है, हालांकि 2018 से ही छपना बंद हो चुका है, मार्केट में बहुत कम लोगों के पास 2000 का नोट था, लेकिन अभी मैं सीपी में हूँ और यहाँ पे कुछ दुकान वालों से, कुछ बैंक वालों से और कुछ आम लोग से जो यहाँ पे रहते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनसे एक एक करके बात करेंगे कि उन पे भी ऐसा असर पड़ा है, क्योंकि जैसा कि जो गरीब लोग हैं उनके पास 2000 की नोट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि इन पे कैसा असर पड़ा है। कब से यहाँ पे आप ठेले लगा रहे हैं? 1995 से। कितने 2000 के नोट हैं आपके पास? मेरे पास मैडम एक भी नोट नहीं है। एक भी नोट नहीं है, मतलब अभी आपको मालूम है कि सरकार की तरफ से बोला गया है कि बंद हो गया। हाँ, कुछ असर पड़ा है आप पे? काम तो वैसे भी गर्मी में हम लोगों को वैसे लोग आ रहे हैं 2000 की नोट वोट लेके। नहीं, 2000 के एक दो दिन पहले बीच में आए, लेकिन हमें जानकारी हुई तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होता, कभी 400-500 का ही काम होता, ज्यादा होता नहीं है, 200-250-400-500 का काम होता है, इसलिए हमारे पास उतना है नहीं। तो देख सकते हैं ये जो है, किस चीज़ की दुकान है आपकी? बर्गर पेटीज की दुकान लगाते हैं और बहुत काफ़ी समय से लगा रहे हैं हम। इधर एक ऑटो चलाते हैं, किसी ने 2000 रुपये दिए आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं दिया 2000 रुपये। बंद आपके पास है? ना, मेरे पास नहीं है 2000 के नोट। नहीं है? नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है, एक भी नहीं है मेरे पास। तो किनके पास हैं 2000 के नोट? पता नहीं, मेरे पास नहीं है मैडम जी। देखिए ये चाय वाले हैं, एक समय पे मोदी जी भी चाय वाले हुआ करते थे, मालूम है? बोलिए, आगे बोलिए, क्या करना? तो क्या 2000 के नोट बंद हो गए, क्या कहेंगे इस पे? कुछ नहीं, बंद होगी अच्छी बात है, हमारे पास है ही नहीं, जिसके पास होगा उसके लिए उसे। किसके पास होता है 2000 का नोट? बड़े लोगों के पास होगा, हमारे पास कहाँ है? नहीं है ना? नहीं। तो कोई आया है लेके? नहीं नहीं, हम तो 5 रुपए की चाय बेचते हैं, 10 रुपए की चाय। हाँ। तो कौन आएगा 2000 का नोट लेके? तो ये भी बात है, जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को पकड़ के हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी बात किया, एक चाय वाले थे, एक पेटीज वाले, इन लोगों ने ना ही इनके पास है पैसे और ना ही इनके पास हो सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से ये लोग 1000-2000 रुपए रोज़ का कमा पाते हैं। तो किनके पास है, सवाल ये है कि किनके पास है नोट, किस पे इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा होगा, कौन लोग हैं जो 2000 के नोट बंद होने पर ज़्यादा तिलमिला रहे हैं। हालाँकि जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त बहुत की बेटियों की शादी थी, बहुत की बेटियों की शादी होने वाली थी, बहुत लोग बीमार भी थे, उस समय काफ़ी गरीब लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ था, और अभी 2000 की नोट जब बंद हुई है तो इसमें अभी ज़्यादा लोगों के पास जो गरीब लोग हैं, और 80% लोग जो हैं वो गरीब ही हैं। तो 2000 के नोट अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कौन कौन लोग, हम सारे लोगों से बात करेंगे कि किसके पास नोट है नहीं है। बैंक में अभी भीड़ नहीं थी तो हम लोगों ने देखा कि बैंक के पास भी नहीं, तो हम आम लोगों से बात कर लेते हैं। नहीं, कहाँ से? नहीं है। अरे
देख रहे हैं ये, आप मुझे बताइए 2000 के नोट हैं? हाँ जी 2000 के नोट हैं। बंद हो गए हैं, अब तो जमा कराना होगा आपको। जी हाँ जमा कराना है मुझे। करवाए? अभी नहीं कराए मैंने। मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? जी हाँ। उसमें चिप लगा हुआ है, अगर रखेंगे 2000 का नोट तो पकड़ लिए जाएंगे। क्यों पकड़े जाएंगे हम? क्योंकि उसको बंद करा दिया गया। हम गलत आदमी नहीं है जी। गलत तो कौन गलत आदमी है? हम गलत आदमी तो है नहीं। तो गलत कौन है? गलत तो वही हो गया जो 2000 के नोट निकाल रहे हैं वो। हाँ, वो गलत है। जी हाँ। कैसे गलत है? हम तो गलत आदमी नहीं है। हाँ। तो 2000 के नोट रखने वाले गलत है? जी हाँ। कैसे? हम तो 2000 का नोट ले लिया। हमें पढ़ने वाले गलत नहीं है, जिनके पास ज्यादा है ब्लैक मनी वो गलत है। हाँ। गरीब आदमी गलत नहीं है। गरीब आदमी के पास कितना पैसा है? जी हाँ बोलिए। लाख दो लाख। हाँ। पाँच लाख, इससे कोई टेंशन नहीं है। हाँ। टेंशन उससे है जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसे टेंशन है। अच्छा। हमें क्या टेंशन है? अच्छा। हमारे पास कितने होंगे? 50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए होंगे बस। अब लेकिन आपने बोला की 50,000 साइड में हम लोग आते हैं बात करते हैं। आपने बोला की 50-60 या 1,00,000 रुपए होंगे, तो ऐसा डर लग रहा है कि अब बंद हो गया है और फिर जाएंगे बैंक में जमा कराने के लिए, करेगा नहीं? नहीं नहीं, बैंक में तो जमा कराने पड़ेंगे ना वो तो। हाँ। अब यहाँ तो कोई ले नहीं रहा। 1000 के नोट भी बंद करा दिया तो। हाँ। ले हजार की भी हमने करा दिया। 500 के नोट के किसने करा दिया? तो सरकार ने कराया। सरकार ने कराया। तो मैंने कराया क्या? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है ना आपने करा दिए। तो क्या अभी मतलब डर ऐसा जा रहे हैं बैंकों में? बैंकों में जा रहे हैं, बैंकों में हमारी सिस्टर भी गई है, सब जो लोग जा रहे हैं इस टाइम बैंक में। और यहाँ पैसे ले नहीं रहे, कोई छोटे मोटे दुकानदार तो ले रहे हैं, बड़े तो ले रहे हैं। हाँ, डर हो गया है दुकान वालों। बस वो बड़े जो दुकान है ना, बड़े दुकानें शॉप है उन पे तो चल रहे हैं। हाँ। पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं बड़े। क्योंकि ज्ञान नहीं है लोगों में अभी उतनी, उनको लग रहा है कि अरे हम ले लेंगे तो हमसे बस बस कौन लेगा। बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा, लंबी लाइन होती है इसलिए। तो आपने देखा कि इन्होंने बोला 1-1.5 लाख रुपए जो भी हैं हम जमा कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के पास है? हमारे पास नहीं है, हमारे पास आधा दुकान वाले को दे दिया। पहले तो इतना काम ही नहीं होता मैडम, इतना काम नहीं होता। तो देखा आपने, ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे काम वाम करने वाले हैं, लेकिन अभी तो बैंक के पास भीड़ नहीं है। अगर भीड़ होता तो हम उन लोगों से बात करते कि क्या है। चलिए हम आपको और भी लोगों से बात करके बताते हैं कि क्या है। पैसे हैं 1-2 हज़ार के तो होंगे नोट? 2000 के नोट हैं घर पे? यहाँ नहीं, मतलब घर पे हैं। तो चेंज अभी सरकार ने बोला है कि चेंज करवाना है, 2000 का नोट बंद कर दिया जाएगा मई, पूरी मई के बाद। हाँ, दिक्कत तो होगी आम जनता को, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आम पहले जनता के पास 2000 रुपए हैं? होंगे, उनके पास ऐसा नहीं है। और 2000 के नोट होंगे? हाँ, लोगों के पास होंगे जिन्होंने बचा के रखा होगा। आपके पास है बचा के रखा हुआ दवा के? हमारे पास नहीं है। नहीं है? पति से छुपा के रखते हैं लोग? नहीं रखे। आपके पास है ना? तो जमा कराया बैंकों में? नहीं, अभी नहीं कराया, कराएंगे जमा। भीड़ ज्यादा लग रही है बैंकों पे, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम दुकान वाले जो डर गए हैं, वो आप किससे पैसे लेते हैं? नहीं, वो तो मना कर रहे हैं। हाँ, केवल वहाँ नहीं, दुकानदार तो मना कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी जगह है वहाँ भी मना कर रहे हैं। परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तुरंत मना कर देते हैं। अपना सामान जो दैनिक सामान है वो ही नहीं खरीद पा रहे हैं। आपके पास है 2000? मम्मी पापा के पास होगा? नहीं है, उनके पास तो होगा, छुपा के रखा होगा उन्होंने, पता नहीं होगा। तो कभी दिया है पॉकेट मनी या कुछ के लिए? नहीं, 2000 नहीं दिए। तो देख सकते हैं हम लोगों ने बात किया है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या आप लोगों को, आप लोगों के पास पैसे हैं 2000? नहीं है। नहीं है? क्या कहेंगे चाचा? क्या कहेंगे, हमने तो देखे ही नहीं है। हमने भी नहीं देखे हैं। तो आप क्या बताएं, अब बंद कर दिया ना। हाँ। सरकार ने जो कर दिया, अच्छा फैसला कर दिया। अच्छा कर दिया और क्या, वो सरकार जो करती है अच्छी करती है। अच्छा करी है, अच्छा की। हाँ ठीक है, अच्छा। 1000 का नोट बंद करके अच्छा किया सरकार, जो करती जी अच्छा करती है। हाँ। और उसमें हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं ऐसा तो नहीं है, खैर ये तो टाइम सबका आता है और जाता है। जाएगा टाइम, ये आप नहीं कह सकते, तो ये आप ऐसे कैसे कह देंगे। हम देख सकते हैं एक ये है जो कहते हैं जो सरकार करती है वो बहुत अच्छा करती है। आप सहमत हैं इनके पास से, आप लोग युवा हैं, जो सरकार करती है अच्छा करती है? सरकार तो हमारे हित के लिए कहती है, बट मैंने इंस्टा में बीच में रील देखी थी कि सरकार ने 2000 के नोट में चिप लगाई थी, और वो चिप के बाद सबको वो 2000 का नोट दिया। अब वही नोट वो हमसे वापस ले रही, मतलब वो एक तरह से इंट्रो कराना चाहती कि किसके पास कितना पैसा है ये वो सब। देखा आपने,
ये भी लगता है आज तक देखते हैं, आज तक देखते हैं। जी जी, मीडिया का ये कहना था कि नैनो चिप्स लगा हुआ है, 100 फीट गड्ढे में रखेंगे 2000 का नोट तो निकल आएगा, लेकिन अब कहाँ गया वो गोदी मीडिया, चिल्ला चिल्ला के कहता था कि नोट निकाल के देखेंगे। ये तो बोल रहे हैं कि अब नोट निकलवा रहे हैं। अब कहाँ से नोट निकलवा रहे हैं, कोई नोट नहीं निकलवा रहे हैं, ये तो खाली धांधली हो रहा है। ये गोदी मीडिया वाले हैं, देखने वाले हैं। सब में दिखा रहे थे इसकी टाइम लिमिट दी है कि देखा। हाँ बताएंगे चिप्स तो वो नैनो चिप्स वाले सुधीर चौधरी श्वेता तिवारी कहाँ गई, आज क्यों कह रही है कि नैनो जहाँ जहाँ नोट है वहाँ वहाँ हम निकाल लेंगे, जाके निकलवा। आपके पास है या नोट नहीं? अरे हम गरीब आदमी के पास कहाँ से नोट आएंगे। किसके पास नोट है? नोट तो उन्हीं के पास है जो बता रहे हैं, उन्हीं के पास नोट है। अच्छा, जो बता रहे हैं उनके पास। और क्या, नोट हम गरीबों के पास नोट मोदी है। मोदी जी ने अच्छा किया है। बिल्कुल गलत किया है। गलत किया है और क्या, उसको बदलने क्या जरूरत था। 2000 बहुत ज्यादा, लोग काला धन ज्यादा इकट्ठा करके रख सकते हैं लोग। हाँ तो पहले तो 1000 निकाला था ये काला धन रोकेंगे, अब 2000 लगेंगे उससे डबल रोकेंगे। आए तो काला धन निकला तो, लेकिन क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। जितने गरीबों के घर से पैसे निकल गए, कुछ ने अपने पतियों के पैसे चुरा के रखे थे। 2000 का नोट आ कहाँ रहे, घर में जो छुपा के रखेंगे नहीं आ रहे। कहाँ से आ रहे, तो किसके पास है नोट? नोट उन्हीं नेताओं के पास है। उन्हीं श्वेता तिवारी से पूछिए ना किसके पास है। तो देख सकते हैं ये बहुत आग बबूला हुए हैं गोदी मीडिया पे। ये गोदी मीडिया, मैं नहीं कह रही, उन्होंने कहा। हम और भी लोगों से बात करेंगे। हैं आपके, पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम करण यादव है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। प्रॉपर दिल्ली के हैं या यूपी के? दिल्ली से ही हूँ। प्रॉपर दिल्ली के? हाँ जी, यमुना बिहार। कितना पैसा रखा है दबा के? मेरे पास तो अभी 20-30 रुपए और होंगे। 2000 के नोट कितने? 2000 के नहीं है। अब मोदी जी ने बंद करवा दिया 2000? अब बंद हो गए, हो जाने दो, उसमें क्या है। फर्क ना बंद करने से ना चालू करने से फर्क तो कोई पड़ा नहीं। बाकी गरीब या गरीब ऐसा कुछ नहीं, मिडिल क्लास लोगों के लिए 2000 ना 500 कोई माने नहीं रखता है। माने रखता मैंने तो देखे ही नहीं है 4-5 साल से। सेम मेरा भी ऐसे ही, मैं अभी दुबई गया था, अभी 10-12 दिन हो गए मेरे को वापस आए। वहाँ से एक्सचेंज दिया था ना मेरे को करीबन 1.5 लाख का, तो उधर ही मेरे को 500 में करेंसी मिली थी। तो 2000 जो थोड़ा बहुत है वो लोग डर डर के ले नहीं रहे। वो आराम से एक्सचेंज करा सकते हैं, हमारे पास टाइम है, 30 सितंबर तक का टाइम है। तो मोदी जी ने अच्छा किया। अच्छा मोदी जी ने या ऐसा कुछ भी नहीं, आरबीआई का फैसला है ये, तो फिर मोदी जी बीच में भी है ना बीच में, उनका थोड़ा बहुत रोल है, बाकी ये आरबीआई का फैसला है। जो पुराना वाला जो था वो अपना गवर्नमेंट का था पूरा, लेकिन अभी का जो है वो आरबीआई का फैसला है। बट सेम ही है, हम लोग अभी जस्ट दुबई से रिटर्न हुआ। अरे वो तो ठीक है, ये जो बोल रहे हैं उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। आरबीआई का फैसला, अगर इधर बात होती है सिर्फ केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सोचते एक बार कहाँ ये अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो 2000 का नोट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था, वो उस टाइम चलाया था, उस टाइम करेंसी का ये था कि वही ब्लैक, वो नहीं चलाते तो आज बंद करने का नौबत नहीं। ये तो अभी लाइक मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलाते तो क्यों बंद करना पड़ता। लोग जो परेशान हो रहे हैं वो होते नहीं। हाँ उन्होंने कुछ डिसाइड किया था, कुछ अच्छे के लिए किया था, बट अभी चिप है, चिप है ना उसमें। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप लोग ऐसे बात, मैं करती हूँ कि आज तक वाले दिखा रहे हैं। वो आज तक वाले किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, वो किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, उनकी बात छोड़ो। आज तक या कोई भी ऐसी मीडिया हो, स्पेशली लाइक इधर जो अपने इंडियन में जो बीबीसी वगैरह हैं, एक तो सही दिखाते भी हैं पर उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे लिए करेंसी चेंज में ना ज्यादा मैटर करता, तो इसलिए नहीं रखती थी। वो आज तक वाले ने बोल दिया चीप है, मैंने डर से रखा ही। तो आप आज तक वाले के हिसाब से चलते रहिए, क्योंकि दुनिया ऐसे चलना पड़ेगा। देखते हैं ना नेशनल टेलीविजन, दुनिया आज तक वाले के हिसाब से कैसे चल जाएगी, कैसी बात कर रहे हैं, नहीं चल सकते। कौन सा मीडिया देखेंगे आप? हम मीडिया मीडिया हम सारे देखते हैं, हम इंटरनेशनल भी देखते हैं, नेशनल भी देखते हैं। एक्चुअली बीबीसी जो न्यूज दिखाता है वो थोड़ा सा बिलीव उसमें भी करता, बट बीबीसी को भी बैन करने की बात कही गई थी। हाँ, तो वो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम हुआ था, जो ये जो डॉक्यूमेंट्री वाला जो प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम, देखो किसी भी कंट्री का जो हेड होता है तो उसके साथ में ये सब कुछ, मतलब इस तरीके डॉक्यूमेंट्स को वायरल करना जो भी था, आई डोंट नो बट जो भी था उस टाइम, तो वो बड़े बड़े लोग जाने, हम सब इतना ही जानते। अगर कुछ आया भी था तो शो कराना था, और नहीं भी, हाँ शो कराना था, और नहीं भी कराया तो कुछ हो सकता है उसमें कुछ देश के लिए कुछ अच्छा हो और जैसा भी हो, बट जो भी था उससे प्रॉब्लम रुकी, ऐसे कुछ दंगे नहीं हुए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा दंगे को प्रेरित करती हैं कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो लाइक उस टाइम जो भी हुआ था तो यहाँ के लिए तो ठीक ही हुआ था, उस टाइम मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर ही था, हम लोग सारे ही बाहर थे उस टाइम। तो जो भी वैसे पैसे लेके आए नहीं है 2000? हाँ मैं लाया था, पर मैंने सारे चेंज हो गए, और अभी भी पेट्रोल पंप दुबई में 2000 नहीं चलता ना, उधर मोदी जी नहीं चलते, मोदी जी नहीं चलते ना, वहाँ गांधी जी के, मोदी जी हर जगह चलते हैं वहाँ, नेटवर्क ना मोदी जी के आते ना गांधी जी के आते। सही बोल रही है, अभी हर जगह चलते हैं, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया गए, वो जो कौन सा कंट्री उधर गए तो उधर चल रहा है, मुश्किल नहीं, उधर प्रॉब्लम नहीं। क्या बोल रहे हैं,
जैसे कि आप वहाँ का करेंसी मिलता है तो एक्सचेंज होके दिया जाता है, हाँ जी एक्सचेंज होके दिया।